So in today's class, we will talk about non-steroidal anti-inflammatory drugs part 2. अभी तक हम लोगों ने NSAIDs के part 1 को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने इसके mechanism of action, classification और aspirin की बात की है. जैसे aspirin बहुत important था, वैसे एक over-the-counter drug, over-the-counter मतलब अगर किसी doctor का prescription ना भी हो, तो भी आप लोग इसको ले सकते हैं medical store से. तो पैरासीटामॉल को भी डिस्कस करेंगे, नेप्रोक्सिन को डिस्कस करेंगे, कॉम्बिफ्लाम को डिस्कस करेंगे. ओके, तो बहुत सारे और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स डिस्कस करेंगे. हम लोगों ने कहा था जो ये एनसिड्स होते हैं, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स होते हैं, जो कॉक्स वन और कॉक्स टू होते हैं. कुछ पर्टिकुलर एनसिड्स होते हैं जो केवल कॉक्स टू को इनहिबिट करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन वो हर जगह कामयाब नहीं होते हैं. मतलब हर पेन में, हर इन्फ्लेमेशन में नहीं यूज़ किए जा सकते हैं, प्लस उनके कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. लेकिन जो कॉक्स टू इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में बहुत अच्छा काम करते हैं विदाउट साइड इफ़ेक्ट. तो हम लोग एक बार उनको भी डिस्कस करेंगे. तो जब भी बात करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, तो हमेशा हम लोग कहते हैं यहाँ पे दीज आर साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम इनहिबिटर्स, COX दैट इज साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स, साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स, साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स. तो ये जो कॉक्स इनहिबिटर हैं, इनकी वजह से आगे चल के प्रोस्टाग्लैंडिंस कम हो जाते हैं. ओके, इसीलिए पेन रिलीफ होता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट, राइट. इसीलिए हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन कम होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी. इसी तरीके से हम लोगों ने कहा था टेम्परेचर कम होता है, फीवर कम होता है, तो दैट इज़ एंटी पायरेटिक. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लेक्चर. तो यहाँ पे आप लोग पैरासीटामॉल देख पा रहे हो, जिसको हम लोग एसिट एमिनोफेन भी कहते हैं. ओके, सबसे लीस्ट टॉक्सिक अगर कोई एनसिड है तो पैरासीटामॉल है, सबसे सेफ कोई है तो पैरासीटामॉल है. बट पैरासीटामॉल ज़्यादातर हम लोग एज ए एंटी पायरेटिक यूज़ करेंगे, ताकि बॉडी का टेम्परेचर, फीवर ठीक हो. पेन किलर जैसा भी काम कर सकता है, बट इन्फ्लेमेशन बहुत कम करेगा, इन्फ्लेमेशन के लिए नहीं यूज़ होगा. नॉट यूज्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, राइट, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इसका बहुत ही कम है. अब देखो, कुछ आपके टॉपिकल एनसिड्स भी होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, टॉपिकल स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं. जैसे वॉलिनी जेल, जो कि 1% डिक्लोफिनेक ऑइंटमेंट होता है. ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग एस्पिरिन छोड़ के बाकी सारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन को एक बार फिर से देखेंगे, ताकि तुम लोगों को ये क्लासिफिकेशन याद हो जाए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग्स को आप कहीं से भी ले सकते हो. ओके, ओवर द काउंटर, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सेफ ड्रग्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग एनसिड्स का क्लासिफिकेशन देख ले रहे हैं. एक तरफ नॉन सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर हैं, जिसमें सैलिसिलेट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एस्पिरिन, इकोस्पिरिन, डिस्पिरिन, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और दूसरी तरफ होते हैं सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, जिसमें पर्टिकुलरली हम लोग केवल कॉक्स टू को इनहिबिट करते हैं, राइट. और पैरासीटामॉल को तो हम लोगों ने अलग ही रख दिया है, क्योंकि एनसिड के क्लासिफिकेशन में ये ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन काफ़ी कम है. ज़्यादातर ये फीवर के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे आईवी यूज़ करो, चाहे आईएम यूज़ करो, या ओरल यूज़ करो. तो दिस इज़ मेनली एंटी पायरेटिक ड्रग. कुछ हद तक हम लोग कह देते हैं एनाल्जेसिक भी है, बट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ना के बराबर. अब यहाँ पे हम लोग और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देख पा रहे हैं. जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. इसके अलावा फेनेमेट्स आ गए, जिसमें मेफेनेमिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी हाई ग्रेड फीवर होता है. पैरासीटामॉल मॉल से नहीं जाता, तो हम लोगों को कुछ और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मेफेनेमिक एसिड काफ़ी ऊपर है. इसके अलावा कुछ और हैं जो कम यूज़ होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन में दिए जा सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे एक तो कॉक्स इनहिबिटर्स पढ़ेंगे, जो स्पेसिफिक हैं, जिनको हम लोग कॉक्सिब्स कहते हैं.
दैट इज सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स, ये ज़्यादातर कॉक्स टू को इनहिबिट करेंगे, राइट। कॉक्स वन को ये शायद टच भी ना करें, इसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट कम आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट उनमें से है पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, ये सारी चीज़ें कम होंगी। तो ये क्लासिफिकेशन है, एक बार हम लोग फिर से क्लासिफिकेशन को देखते हैं, इस बार सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन बनाते हैं, ओके। राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ, इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने इसी को पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल कर दे रहा हूँ, ओके। हम लोगों ने कहा था जो एनसिड्स होते हैं वो कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं, सारे टाइप के कॉक्स को इनहिबिट कर दो तो हम लोग कह देते हैं नॉन सेलेक्टिव साइक्लो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स, ओके। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था आपका एस्पिरिन, फिर उसके बाद हम लोग कह रहे हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे आपके पास आइब्यूप्रोफेन, राइट, जो कि कॉम्बिफ्लाम में काफ़ी होता है, यू हैव नेप्रोक्सिन, राइट, एंड यू हैव मेफेनेमिक एसिड जो कॉमर्शली हम लोग यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली वो यही चाह रहे हैं इस तरफ। दूसरी तरफ मैंने कहा था पैरासीटामॉल को भी हम लोग इसमें रखते हैं, राइट, पीसीएम, लेकिन पीसीएम में हम लोग कहते हैं मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। आज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पीसीएम ही होने वाला है, राइट, बट ये बेस्ट एंटीपायरेटिक है जिसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हैं, इसीलिए हम लोग अगर किसी को फीवर होता है तो ऑन सेफर साइड हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं पैरासीटामॉल, राइट। कभी कभी इसके कॉम्बो ड्रग्स को भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे पैरासीटामॉल प्लस आइब्यूप्रोफेन, वही कॉम्बिफ्लाम बन जाता है। एक तरफ और चलते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, और ये किसको इनहिबिट करेंगे, कॉक्स टू को इनहिबिट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे हमारे पास अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो जैसे निमेसुलाइड, जैसे आपके पास डिक्लोफिनेक है, ओके, जैसे आपके पास एसिलोफिनेक है, प्लस कुछ आपके स्ट्रिक्टली कॉक्स टू इनहिबिटर्स होते हैं तो हम लोग उन्हीं को कह देते हैं कॉक्सिब्स। तो आपके पास कुछ कॉक्सिब्स भी हैं जो केवल कॉक्स टू को टच करेंगे, ज़रा भी कॉक्स वन को, जैसे सेलेकॉक्सिब, जैसे इटोरी कॉक्सिब। अभी आगे चल के हम लोग सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स को काफ़ी डिटेल में देखेंगे, इसी लेक्चर के लास्ट में वी विल टॉक अबाउट कॉक्स टू इनहिबिटर्स। उनमें से कुछ प्रिफ्रेंसली सेलेक्टिव होते हैं, कुछ फुली सेलेक्टिव होते हैं, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही क्लासिफिकेशन में रख दिया है। यहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया कि जितने भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं सब एराकिडोनिक एसिड पाथवे को ब्लॉक करते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक करके, और अल्टीमेटली प्रोस्टाग्लैंडिंस कम बनते हैं जिसकी वजह से पेन वगैरह कम होगा। तो एराकिडोनिक एसिड से आगे चल के प्रोस्टाग्लैंडिंस बनते हैं, और यहाँ पे दो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, कॉक्स वन कॉक्स टू। तो एक दफ़ा फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो हम लोग बात किसके कर रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये क्या करेंगे, एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनने देंगे। यहाँ पे कॉक्स एंजाइम है, साइक्लोऑक्सीजनेज वन साइक्लोऑक्सीजनेज टू, राइट। तो हमारा काम क्या है, इन्हीं को इनहिबिट करना, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कॉक्स टू इनहिबिटर है तो इन्हीं को हम लोग कह देते हैं मेनली कॉक्सिब्स, ओके। ये केवल कॉक्स टू को इनहिबिट करेंगे और प्रोस्टाग्लैंडिंस कम होंगे। कुछ आपके नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं, इनको किसी और कलर से मैं बना लेता हूँ, राइट, इसको भी इनहिबिट करेंगे, इसको भी, तो ये आपके क्या हो गए, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, ओके। जैसे हम लोगों ने एस्पिरिन देखा ही है जो कि इरिवर्सिबल तरीके से, नेप्रोक्सिन वगैरह आज हम लोग देखेंगे, ओके। तो कितना सिंपल है, एनसिड्स आर कॉक्स इनहिबिटर्स, कुछ नॉन सेलेक्टिव होते हैं जो वन और टू दोनों को इनहिबिट करेंगे, कुछ सेलेक्टिव्स होते हैं, राइट, जो फुली सेलेक्टिव हैं तो वो तो केवल कॉक्स टू को करेंगे, जो पार्शियली सेलेक्टिव हैं वो कॉक्स वन को बहुत कम और कॉक्स टू को इनहिबिट करेंगे, ओके।
तो जो कॉक्स टू इनहिबिटर्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे एस्पिरिन पढ़ लिए हैं, तो ये जो प्रोपियोनिक एसिड वाले पार्ट्स हैं इनको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 इनको डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस हम लोग पैरासीटामोल को डिस्कस करेंगे, प्लस हम लोग सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में हम लोग क्या देखेंगे, मेन दो ड्रग्स हैं जो ज़्यादातर आर्थराइटिस वगैरह में यूज़ कर होते हैं, जैसे यहाँ पे एक आइब्यूप्रोफेन है, दूसरा आपके पास नेप्रोक्सन है, आइब्यूप्रोफेन, राइट, एंड सेकेंड वन इज़ नेप्रोक्सन। आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, एक ड्रग लिया भी होगा कभी ना कभी, कॉम्बीफ्लाम। कॉम्बीफ्लाम आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, आइब्यूप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल, अभी देखेंगे। राइट, ओवर द काउंटर हेडेक वगैरह होता है, बहुत अच्छा काम करती है कॉम्बीफ्लाम। तो यहाँ पे आप लोग अगर क्लासिफिकेशन ऑफ देखें प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स की, तो यू हैव मेनली टू ड्रग्स ओवर हियर, वन इज़ आइब्यूप्रोफेन, सेकेंड वन इज़ नेप्रोक्सन। राइट, आइब्यूप्रोफेन बहुत शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, नेप्रोक्सन करीब बीडी डोज में काम चल जाता है। तो आइब्यूप्रोफेन में हमारे पास क्या है, 400 टू 600 मिलीग्राम टैबलेट्स हैं, नेप्रोक्सन में हमारे पास क्या है, 250 मिलीग्राम टैबलेट्स। ये जो नेप्रोक्सन है, अगर पेन किलर के तौर पे देखा जाए, आर्थराइटिस की बात किया जाए, पर्टिकुलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है। राइट, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एनसिड्स हों चाहे वो कोई भी ग्रुप के हों, राइट, अगर वो सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स नहीं हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी आएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात की, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो ये भी आगे चल के क्या करेंगे, कॉक्स वन और कॉक्स टू दोनों को इनहिबिट करेंगे, कॉक्स वन एंड कॉक्स टू दोनों को इनहिबिट करेंगे। ओके, कॉक्स वन एंड कॉक्स टू इनहिबिटर्स, तो यहाँ पे पेन वगैरह फीवर वगैरह ज़रूर कम होगा, लेकिन यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, जैसे गैस्ट्राइटिस, अल्सर, किडनी इंजरी, ओके, किडनी इंजरी, ब्लीडिंग एसेट्रा, ओके, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो इन्हीं सारे साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए कभी कभी, हमेशा नहीं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में हम लोग कॉक्स टू इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं। कॉक्स टू की ये प्रॉपर्टी होती है कि सारे सेल्स में नहीं होते, जहाँ पे खासकर इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है वहीं पे वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में कॉक्स टू इनहिबिटर्स सेलेक्टिव देने से ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स कम रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, करीब आइब्यूप्रोफेन 500 मिलीग्राम बीडी, नेप्रोक्सन 250 मिलीग्राम बीडी टू टीडीएस हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले ही देख चुके हो, ये कॉम्बीफ्लाम है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यू हैव आइब्यूप्रोफेन एंड यू हैव पैरासीटामोल, तो इनका कॉम्बिनेशन आता है। राइट, इसी को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे आइब्यूजेसिक प्लस। राइट, सीरप के फॉर्म में भी आता है, सीरप कॉम्बीफ्लाम और आइब्यूजेसिक प्लस, आइब्यूजेसिक प्लस, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके, तो ये कॉम्बो ड्रग है, ये नेप्रोक्सन है 250 मिलीग्राम, राइट, टेबलेट नेप्रोक्सन। अब देखो ये जो पैरासीटामोल वगैरह तो हम लोग बहुत देखते हैं, नेप्रोक्सन वगैरह कम देखते हैं। अब देखो मान लीजिए किसी को, एग्जाम्पल मैंने कह दिया, किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया का पेशेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यहाँ पे पेन किलर के फॉर्म में ड्रग ऑफ चॉइस है क्या, नेप्रोक्सन, राइट, एज पेन किलर। तो जितनी तेज नेप्रोक्सन से पेन जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उतनी तेज़ी से किसी और ड्रग से नहीं जाएगा। राइट, अगर हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की बात करें। ओके, और भी इसके इंडिकेशन हैं। राइट, जैसे मान लीजिए किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियो आर्थराइटिस, राइट, ओल्ड एज में जो आर्थराइटिस होता है दैट इज़ ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ये दो बहुत ही कॉमन इंडिकेशंस हैं अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं नेप्रोक्सन के, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सीवियर हैं। साइड इफ़ेक्ट के तौर पे पेशेंट को बहुत सीवियर गैस्ट्राइटिस हो सकती है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया आपने डेंगी के पेशेंट में दे दिया ये,
डेंगू के पेशेंट में वैसे भी ब्लीडिंग के टेंडेंसीज़ ज़्यादा होती हैं, प्लस नेप्रोक्सिन आपने दे दिया और ज़्यादा ब्लीडिंग की टेंडेंसीज़ हो जाएंगी। जब कॉक्स टू इनहिबिटर्स देते हैं तो यही साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कॉक्स टू इनहिबिटर्स हर जगह नहीं दिए जा सकते हैं। ओके, जैसे अगर मैं कहूँ फीवर उतारने के लिए तुम कॉक्स टू इनहिबिटर दो तो बड़ा मुश्किल है कि उससे फीवर उतरे। ओके, अगर मैं कहूँ जॉइंट पेन है, नेप्रोक्सिन कोई पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन लेने के लिए यू कैन गिव कॉक्स टू। ओके, क्योंकि वो वहीं पे एक्सप्रेस होते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, बट वो पेन वगैरह कम नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम लोग आ जाते हैं मेफेनेमिक एसिड। राइट, मेफेनेमिक एसिड खासकर बच्चों में जब पैरासीटामॉल से फीवर नहीं उतरता तो यू हैव टू गिव मेफेनेमिक एसिड। तो जो दूसरा वाला कैटेगरी यहाँ पे है दैट इज़ फेनामेट्स। फेनामेट्स इसमें जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है दैट इज़ मेफेनेमिक एसिड। ओके, टेबलेट मेफ्टाल या टेबलेट मेफनॉम वगैरह नाम से आता है, इवन सीरप के फॉर्म में भी आता है। ओके, तो ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक ड्रग है। राइट, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े सीवियर हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अगर फीवर हुआ, तुमने पैरासीटामॉल दिया, ना ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होगा, राइट, ना ज़्यादा प्लेटलेट डिसफंक्शन होगा। लेकिन अगर पैरासीटामॉल से बुखार नहीं उतरा, आप लोगों ने मेफेनेमिक एसिड दे दिया, तो ठीक हो सकता है फीवर उतर जाए, बट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। जैसे मान लो डेंगू के पेशेंट में आपने इसको दे दिया। ओके, डेंगू के पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस कम रहते ज़्यादा रहते हैं क्योंकि प्लेटलेट कम होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह होता है, और ये प्लेटलेट को उतना सही से काम करने नहीं देगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ दिस इज़ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक, कैन बी यूज्ड इफ़ पैरासीटामॉल फेल्स टू ट्रीट फीवर। राइट, पीसीएम फेल्स टू मैनेज फीवर। ओके, मैनेज फीवर बहुत ही कॉमन ड्रग है, ऐसा नहीं कि बहुत ही रेयर है, बट इन्फ्लेमेटरी एक्शन इसका काफ़ी कम है। राइट, वीक इन्फ्लेमेटरी एक्शन। तो कभी सूजन वूजन कहीं पे है तो उसके लिए इसको नहीं देना है। राइट, उसके लिए बेटर है कि आप लोग नेप्रोक्सिन वगैरह दो, लेकिन इससे डायरिया और एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, गैस्ट्राइटिस ये सब ज़्यादा होगा। राइट, जो कि अभी तक हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। कहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे हाई ग्रेड फीवर हो, या मान लीजिए एनाल्जेसिक इन मसल, किसी को मस्कुलर पेन हो, सॉफ्ट टिशू पेन हो, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जैसे डिसमिनोरिया वगैरह भी कम कराएगा ये। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कह दिया नेप्रोक्सिन, किसी कोई कह रहा है बॉडी पेन हो रहा है, राइट, वो ये नहीं कह रहा है कि जॉइंट पेन हो रहा है। मेफेनेमिक एसिड, मेफेनॉम, मेफ्टाल कैन बी गिवन। ओके, जैसे यहाँ पे आप लोग मेफ्टाल वगैरह देख पा रहे हो, दिस इज टेबलेट मेफ्टाल, राइट, 500 मिलीग्राम बीडी, ये इसकी यूजुअल डोज है। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और ड्रग्स की। जैसे अब हम लोग बात करेंगे निमेसोलाइड की। अब यहाँ पे अब डिस्कस करना पड़ेगा हम लोगों को सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स। राइट, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कॉक्स टू इनहिबिटर्स, इसका मतलब क्या हो गया कॉक्स टू। बहुत देर से हम लोग बात कर रहे थे कि कॉक्स टू इनहिबिटर्स हर जगह ज़रूर यूज़ नहीं होंगे क्योंकि ये केवल एंटी इन्फ्लेमेटरी होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए इसको यूज़ करोगे तो फालतू के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। इसको अब मैं दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ और तीन चार ड्रग इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। इनमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिफ्रेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर्स। प्रिफ्रेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर्स मतलब जो कुछ हद तक कॉक्स वन को भी इनहिबिट करेंगे, और दूसरे आपके हो गए ट्रूली सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स। तो दोनों में फ़र्क है, एक कॉक्स वन पे भी थोड़ा बहुत काम करेगा, दूसरा केवल कॉक्स टू पे काम करेगा। तो इसके जो एडवांटेज होते हैं हम लोग कहते हैं, चलो पहले नाम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इटोरीकॉक्सिब, जैसे यहाँ पे सेलेकॉक्सिब। ओके, तो इसीलिए नाम में कॉक्सिब्स लगा है, तो हम लोग इन्हीं को क्या कह देते हैं, नोन एज कॉक्सिब्स। ओके, यहाँ पे हम लोग कहेंगे ओनली एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन।
राइट, नॉट एंटी पायरेटिक, राइट, या वीक एंटी पायरेटिक हैं। और ये जो कॉक्स टू होते हैं, कॉक्स टू आपके कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं? कॉक्स टू हर जगह नहीं होते, एक्सप्रेस्ड एट एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो थोड़ा सा ये स्पेसिफिक हैं, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वही काम करेंगे। मैं कहूँ फीवर में दे दो तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि फीवर पूरी बॉडी में होता है, ओके, और पूरी बॉडी में कॉक्स वन होता है, कॉक्स टू नहीं होता। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को निमेसुलाइड, ओके, साइनोसाइटिस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा डिक्लोफिनेक सोडियम, अभी मैं वॉलिनी जेल वगैरह की बात कर रहा था, राइट, डिक्लोफिनेक सोडियम। इसके अलावा आपके पास एसिक्लोफिनेक, ये कुछ आपके, इसमें डिक्लोफिनेक ऑइंटमेंट जैसा भी यूज़ किया जा सकता है, ओके। तो दीज आर योर कॉक्स टू इनहिबिटर्स। इसमें से ये प्रेफरेंशियल हैं, मतलब थोड़ा बहुत कॉक्स वन को भी इनहिबिट करेंगे। ये तो जो सेलेक्टिव वाले हैं, ओके, ये केवल कॉक्स टू को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स कम आएंगे। कौन से? देयरफोर लेस साइड इफ़ेक्ट्स। एग्जाम्पल क्या हम लोग कहते थे? गैस्ट्राइटिस, राइट, ब्लीडिंग एसेट्रा, ये सारी चीज़ें सेलेक्टिव वाले से कम होंगे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? निमेसुलाइड। तो एक बड़े इम्पॉर्टेंट ड्रग है निमेसुलाइड। तो अगर मैं यहाँ पे डिक्लोफिनेक सोडियम से पहले, सबसे पहले निमेसुलाइड की बात कर लूँ, तो निमेसुलाइड भी आपका कॉक्स टू इनहिबिटर है, लेकिन प्रेफरेंशली। तो जैसे अभी तक हम लोग कहते थे सारी ड्रग्स प्रोस्टाग्लैंडिंस को इनहिबिट करते हैं, ये कुछ और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, ओके। तो अगर मान लो मैं निमेसुलाइड यूज़ कर रहा हूँ किसी का आर्थराइटिस में, तो ये कार्टिलेज के डिस्ट्रक्शन को भी प्रिवेंट करता है, ओके। तो मैं कह रहा हूँ ये भी क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, इनहिबिट्स प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस,